और बड़ी खबर इस वक्त, आपको बता दें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की ओर से आ रही है। आपको बता दें कि जब हमारे सहयोगी वाजिद अली ने उनसे सवाल ये किया था कि भाई क्यों अचानक से जो ये तमाम विधायक हैं उनके यहाँ पर पेशी इस तरह से कराई जा रही है, दिल्ली से मानेसर या फिर वापस दिल्ली आएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि छुट्टी मनाने के लिए आए हैं, त्यौहार का मौका है, छुट्टी पर आए हैं। और अब ये दावा करते हुए कि 100% बनेगी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में। बातचीत करते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी से। सर अब ये बता दीजिए बस कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? आपको पता लग जाएगा एक दो दिन के अंदर। सर उनके साथ कितने विधायकों का समर्थन जो है आपकी? काफ़ी विधायक हैं, 20 से ज़्यादा विधायक। यानी आपकी सरकार जो मध्य प्रदेश में बनेगी 100%। ये बताइए सर, 106 विधायकों अचानक से यहाँ पे लाया गया है बस उठा के? फेस्टिवल मूड है, होली के मूड में आए सब लोग। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो है कुछ विधायकों बीजेपी के विधायकों तोड़ सकती है इसकी वजह से? कुछ ऐसी नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं, हमारे यहाँ मजबूत कार्यकर्ता है, किसी पे कोई शंका नहीं। तो दिल्ली में रुकेंगे, दिल्ली से बाहर जाएंगे? मैं राजेश जी। कितने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जो है इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ जो भी विधायक है वो ज्वाइन करेंगे, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।